भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। छल दाम देश पाखंड झूठ अन्याय से विश्व दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधा रस बरसावे। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। मोह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। भारत माता की जय। अग्रवाल जी रतन गुप्ता जी सुनील गुप्ता जी बता रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। हमारे रामपुर से पधारे हुए आदरणीय शर्मा जी और सभी का। किसी शायर ने कहा है कि नफरतों को जलाओगे तो मोहब्बत की रोशनी होगी, नफरतों को जलाओगे तो मोहब्बतों की रोशनी होगी, वरना इंसान जब भी जला है खाक हुआ है, खाक हुआ है। जय हिंद जय। माननीय मंत्री जी उमेश शुक्ला जी, संजय जी लखीमपुर खीरी के हमारे अध्यक्ष महामंत्री है। जो मानव भी है महाजन भी है उसकी कौन सुन रहा। पांडे जी आ जाए, एक एक प्रतीक चिन्ह लिया। और जिस जिस जिले ने जो जो बात कही है हमारे आज के अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने बिल्कुल सबका मिनट्स नोट किया है और बाकायदा इसकी विधिवत रिपोर्ट बन करके प्रदेश कार्यालय को जाएगी, ऐसा ये व्यवस्था की गई है। आगे उसके प्रमुख अंग हैं तो निश्चित रूप से हमारे व्यापार मंडल के वरिष्ठ साथियों में से जो व्यापारिक समस्याओं के लिए जूझ सकते हैं, जिन्हें उसके बारे में जानकारी रहती है, केवल व्यापार मंडल के अंदर मंडी समिति ही नहीं है, केवल व्यापार मंडल के अंदर कुछ नहीं, अरे जीएसटी भी है, सर्राफा भी है, सारे बहुत सारे उद्योग हैं। ऐसी सारी जानकारियों के और उनकी समस्याओं के बारे में जो व्यापारी नेता हमारी उस बात को सदन में रख सके, हमें ऐसी दो सीटें चाहिए विधान परिषद के अंदर बगैर चुनाव लड़े सरकार के द्वारा नॉमिनेट करने के बाद। इतनी वाणी को कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत जय व्यापार मंडल। व्यापार मंडल हमको शक्ति देता है। क्षमा कीजिए, हमने सब अपने मंत्रा सिंह सभी पदाधिकारियों को मैं संबोधन करना भूल गया था, मैं क्योंकि हमें भूलने की आदत हो गई बुढ़ापे में, ये भी एक बुढ़ापे को किस्मत शक्ति को बोला किस्मत मंशा के बुद्धि ना सो बुद्धि ना सकते। तो मैं आदरणीय अपने जो हमारे प्रबुद्ध जन हमारे व्यापार मंडल के समर्पित है ऐसे मंत्रा सिंह हमारे
सभी साथियों उपस्थित हमारे इतने जिलों से आए हुए तमाम पदाधिकारी गण, उनको मैं नमन करता हूँ उनकी सेक्रीफाइस के लिए, व्यापार मंडल के लिए निष्ठा रखने के लिए उनको हमारा नमन है। भैया आपने बहुत सी समस्याएं बताई बंधुओं, अब मैं उन समस्याओं को दोहराना नहीं चाहता। समस्याएं तो हैं लेकिन उनका निराकरण करना व्यापार मंडल का काम, व्यापार मंडल पर विचार करेगा। आगामी जो हमारा नया व्यापार मंडल बन रहा है, सफल ले रहा है, तो हमारे पंडित जी के सुपुत्र हैं वो, और हमारे राजेश जी हैं और हमारे मामती दिलीप जी हैं, इत्यादि हमारे जो है सब, वो सब हमारी समस्या को सुनेंगे। वो मौका है हमारा हमारी समस्या को प्रस्तुत करने का और पास कराने। और गोविंद भैया हम तो शुरुआत से विरोध करते रहे, जेल भी गए व्यापार मंडल में, जेल भी गए लेकिन उन्होंने हमको बंद नहीं किया। अरे जमान कराओ भैया, हमें जमान नहीं कराएंगे भैया, और उन्होंने ले जाओ भैया ले जाओ वापस कर दिया। तो व्यापार मंडल की जो शान है वो इस बीच में थोड़े अंतराल बीच गए ना, तो ये हमारा लोग ने हमारे देश को ग्रस लिया, हमारा व्यापार समाज व्यापार ठप हो गया। खैर हमें उसकी कोई चिंता नहीं, ये जो जीवन है सुख भी आता है और दुख भी आता है, सुख हर साई जल और दुख भी लिखाई। जो मूर्ख आदमी है सुख में दौड़े कूदते और दुख में रोते चले जाते हैं। अरे और जो सम धीरे धरे मन माही, दोनों में सुख दुख को समान समझते हुए धैर्य धारण करते हुए उनको स्वीकार करते हैं, यह है हमारी भारतीय संस्कृति। तो लेकिन जो नया फार्मूला उन्होंने डाला है वो हमारे लिए बहुत घातक है, उसका विरोध हमें करना चाहिए। सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल जो है उसमें विटामिन ए और विटामिन बी, ये दोनों हम कहां से डालें, उसकी मिलावट क्यों करें हम और कितनी मात्रा में डालें, उसके लिए एक लैब लगाएं। छोटा जो मशीन हमारा छोटा एक्सपेलर है उसमें हम ये सारी व्यवस्थाएं कैसे करें। ये सरकार के द्वारा नया फार्मूला लाया गया है कि मस्टर्ड ऑयल में विटामिन ए और विटामिन बी दोनों युक्त करके तब उसे बेचेंगे। तो ये फार्मूला जो उन्होंने बनाया है ये तो बड़ी कंपनी कर सकती है, सरकार कर सकती है। इसके लिए इस फार्मूले को लाकर के छोटे व्यापारियों को समाप्त करने की दिशा में ये कानून जा रहा है, इसलिए उसका हमें विरोध करना चाहिए। जो चीज हम पैदा करके ला रहे हैं और जिसको हम तैयार करके उसका जो मानक आ रहा है उसको आप तय कर लीजिए, वहां लागू कर दीजिए, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। चलिए इस पे सबसे पहले तो खाद्य सुरक्षा के मानक की को ही चेंज करना चाहिए, तभी आगे हम लोगों का सैंपल सही पाए जा सकते हैं। क्योंकि जो पहले हम लोगों की ऊपर थी, जो पहले खाद पड़ती थी, आज के वक्त में सारे उर्वरक पड़ते हैं, कीटनाशक पड़ते हैं, उससे सारे जो पदार्थ तैयार होते हैं वो सब में कुछ ना कुछ दूषितपन आता है। सबसे पहली मांग तो ये होना चाहिए कि उसके मानक को चेंज करना चाहिए, तभी कुछ व्यापारियों का भला हो सकता है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, हमारा दुकानदार गवाह होना चाहिए, एक बार। दूसरी बात जो है ये सही है अपनी जगह पर, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहले भी थी, व्यापारी बहुत परेशान रहा कोरोना में, तो जिस तरीके से बिजली का और लोगों को माफ किया गया है, ऐसे व्यापारी पर को भी बिजली के लिए पूरी तरीके से ना कम से कम हाफ होना चाहिए।